पालम विधानसभा के मधु बिहार सोलंकी मार्केट में मधु बिहार दाता नगर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा प्रधान महासचिव कोषाध्यक्ष व अन्य पदों के लिए चुनाव किया गया, जिसमें मधु बिहार दाता बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सोलंकी को चुना गया। इस अवसर पर शपथ ग्रहण का आयोजन रखा गया, जिसमें पालम विधानसभा की विधायक भावना गोड़, दीपक कुमार जैन एवं अन्य गणमान्य लोग, मधु बिहार सोलंकी मार्केट व पालम के लोगों ने बढ़ चढ़कर शपथ ग्रहण में भाग लिया। इस मौके पर मधु बिहार सोलंकी मार्केट की समस्याओं को भी विधायक भावना गोड़ के सामने रखा। क्या कुछ कहा विधायक भावना गोड़, मधु बिहार दाता बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सोलंकी व दीपक कुमार जैन ने? काम करने वाली और हर तरह से सार्थक उम्मीदवारों का चयन मधु बिहार की जनता ने किया है। रणबीर जी मेरे साथ में बैठे हैं, जो प्रधान के तौर पे अध्यक्ष के तौर पे जीत के आए हैं। भाई नैनवाल जी हमारे साथ में हैं और हमारे तोमर भाई जो कोषाध्यक्ष के रूप में चुन के आए हैं, उनकी नवगठित टीम और साथ में कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित है। मैं स्वयं अपनी तरफ से और अपनी पूरी विधानसभा की तरफ से इस नवगठित टीम को बहुत सारी बधाई दूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। और इसके साथ साथ अपने वक्तव्य में मैंने निवेदन किया है कि मैं स्वयं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपनी विधानसभा को सुधारने में लगी हूं। तो नवगठित टीम पूरे सहयोग के साथ में, तन से मन से मेरे साथ में लग करके हम मधु बिहार में विकास के जो रुके हुए काम है उनको पुनः चलाएंगे। सर, हमने तो जो भी अपने दो ही वादे किए थे, एक तो हमारी कॉलोनियों के अंदर जो गंदे नशेड़ी बच्चे जो होते हैं, बहन बेटियों से बदतमीजी करते चौराहे पे, एक तो समाधान उनका कराना। और जो हमारी बहन ने बोल दिया, अब भैया मैं 67 करोड़ रुपया अगर ले आई मधु बिहार के लिए और सच्चे ईमानदार है, तो हमारी टीम भी एक नंबर की ईमानदार है। ये ना जातिवाद से, ना क्षेत्रवाद से, नहीं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, भ्रष्टाचार से ऊपर उठ के काम करेगी, निस्वार्थ भाव से करेगी। और ये हमने प्रण लिया है, अब मैं अपनी मधु बिहार को जब तक द्वारका जनकपुरी जैसी नहीं बनाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये हमारी बहन ने वो वादा कर दिया, अगर जहाँ कैमरे लग जाएंगे, जहाँ सीवर की दुरुस्त हो जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी, यहाँ तक की बोल दिया बहन ने, कॉलोनियों के अंदर गेट भी लगवाए जाएंगे। तो ये होने के बाद हमारी मधु बिहार के अंदर द्वारका जनकपुरी जैसी कॉलोनी बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही हमारे भाई बहन है बेटियां जो गलत आदमी होते हैं, उनकी सुरक्षा रक्षा गली, हर गली हर मोहल्ले से 2-3, एक लेडीज, एक युवा, एक बुजुर्ग हम मेंबर्स बनाएंगे, RWA से जोड़ेंगे। जहाँ जिस गली में जो भी समस्या होगी उसका पूरा तहदिल से सम्मान करेंगे। दीपक जी क्या कहेंगे, आज RWA की एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में तमाम समस्याएं मुद्दे रखे और उसका निवारण की भी बात की गई है, और क्या कहेंगे RWA की नई टीम बनी? देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चल रही है, और माननीय सांसद हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी उनका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, और माननीय विधायिका बहन भावना गोड़ जी आज थी, मैं भी था, हम तो शुभकामनाएं देंगे नई टीम को। RWA कोई भी कॉलोनी में बनती है तो वो कॉलोनियाँ काम करने की सोचती है। RWA मैं तो कहूँ जितनी ज़्यादा ज़्यादा RWA बने, ब्लॉक वाइज बने, गली वाइज बने, हमारे लिए तो हर कॉलोनी का निवासी प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी है, हर किसी के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उसकी समस्याओं का समाधान हो। कुछ RWA वाले भी हमें समस्याएं बताएंगे, उनके पास भी समस्या है, उसकी भी समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरीके से समस्याएं रखी, क्या लगता है कि वार्ड में समस्याओं का अड्डा है क्या? जिस तरीके से समस्या रखी गई उस तरीके से ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इस कॉलोनी में 12 साल तो मुझे हो गए रहते रहते, कॉलोनी 1984 से लगभग ये डेवलप होती जा रही है। इसमें सीवर नहीं था, प्राइवेट सीवरेज था, वो भी 80% एरिया में था, वो ब्लॉक रहता था, कोई सफाई नहीं होती थी। तो जब से केजरीवाल सरकार 2015 में आई पूर्ण बहुमत में, उसके बाद विधायिका जी ने, भावना गोड़ जी ने सीवर का काम शुरू करवाया, लगभग 65 करोड़ रुपये का काम, 65 किलोमीटर का काम इस वार्ड के अंदर हुआ है। अब घर भी बनाते हैं तो घर में भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, अगर कोई कमी रहेगी तो उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन जिस तरह से समस्या बताई जा रही है उस तरह से समस्या नहीं है। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली मधु बिहार सोलंकी मार्केट। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।